ये है मीरा साहब है, उससे अंदर आके रोड आती है। इंडियन ब्रेड, इंडियन ब्रेड। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो अभी हम लोग पहुंचे नंगाली साहब में। सबसे पहले गुरुद्वारा वहाँ पे चलते हैं, देन उसके बाद प्रसाद चखेंगे और फिर यहाँ पे कुआं है नीचे जाके कुछ है, मुझे पता नहीं है, मैं कभी गई नहीं, तो हम लोग वहाँ से नीचे जाएंगे, मैं आपको सारा दिखाऊंगी। सबसे पहले अंदर गुरुद्वारे चलते हैं। सो भी हम लोगों ने लंगर चख लिया, काफ़ी टेस्टी था और गुरुद्वारे में आके वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, साफ़ होता है, काफ़ी सफाई होती है। तो अभी हम लोगों ने जाना था नीचे जहाँ पे मेन समाधि है, तो हम लोग सीढ़ियों से जाने लगे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में भी जा सकते हैं दूसरे रास्ते से। तो अभी हम लोग वहाँ चलते हैं, देन मैं आपको वहाँ पर दिखाती हूँ क्या, मुझे भी इतना नहीं पता कि वहाँ पर है क्या, बट देखते हैं, देन उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। हे गाइस, सो अभी नीचे का जो रास्ता था वो बंद था, सो अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब जाएंगे, और हम लोग थक चुके हैं सब काफ़ी अब, और देखते हैं अगर आगे कुछ इंटरेस्टिंग रहता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। हे गाइस, तो आज हम यहाँ पे आए हैं जम्मू। आपने मुझे पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा, हम यहाँ पे अपनी चुगा बिरादरी के मेल में आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता हूँ। और ये हम जाते हुए और ये हमारी ठुसी दीदी, ये हमेशा खाते पीते रहते हैं, उनका पेट देखो पता देखे लगता है मोटे। मीरान साहब है, उससे अंदर आके रोड आती है, वहाँ पे ये बना चुगा बरादरी की हमारी मेल यहाँ पे लगती है। सो ये पूरा मंदिर था और यहाँ से व्यू इतना अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, जो खाना है वो उस साइड पे लगा हुआ है, चलते हैं देखते हैं क्या क्या बना है। दिस इज हबला, दिस इज मिक्स, सब कुछ मिक्स है। नीरपड़, दिस इज इंडियन ब्रेड, इंडियन ब्रेड। ओह माय गॉड। हे गाइस, सो मैं वहां से घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने आपको सारा दिखाया। व्लॉग इतना ज्यादा नहीं बनाया है, मतलब काफी ज्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ से भी जल्दी आ गई मैं, मेरे को काफ़ी, जैसे कल भी मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैं वैष्णो माता गई थी, वहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा फीवर है और गला भी बहुत ख़राब है। सो अभी हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी था क्योंकि मेल लगती है वहाँ पे हमारी,
तो अभी जगह भी चेंज थी, काफ़ी दूर थी, तो स्टार्टिंग में जाते हुए तो इतना पता नहीं चला कि कहाँ से जाना है, पूछ पूछ के गए, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। तो मुझे लगा कुछ हो कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ। सो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये ब्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट फिर भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।